अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो वेलकम टू द डे 3। आज मैं आपको बताऊंगा एक सेल्स कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है सेल्स फनल। इसको MBA की भाषा में एडा मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें हमें हमारे प्रोडक्ट का सबसे पहले अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। वी विल स्प्रेड अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर वेबसाइट्स। सेकेंड थिंग जो हमें करना होता है वो है इंटरेस्ट जनरेट करना, हमारे क्लाइंट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट की तरफ इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए। थर्ड स्टेप इज बेसिकली आपको एक डिज़ायर पैदा करनी है अपने क्लाइंट्स के अंदर, या तो फिर फोमो क्रिएट करना होता है सो दैट यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट वेरी इजीली। और चौथा स्टेप होता है एक्शन। सो इसे कहते हैं हम AIDA मॉडल, या तो एडा मॉडल, या तो इसे और एक भाषा में कहते हैं सेल्स फन। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल डूम है, तो फिर आप सैमसंग को ही ले सकते हैं। रिसेंटली सैमसंग का S24 अल्ट्रा मोबाइल लॉन्च हुआ है, तो अवेयरनेस के लिए उन्होंने पहले सारे प्लेटफॉर्म पे YouTube, Instagram, होर्डिंग्स के थ्रू उन्होंने ये बताया AI इज़ कमिंग। इंटरेस्ट के लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इवेंट रखा था जिसके अंदर उन्होंने AI फीचर्स लोगों को बताया, तो लोगों में कुछ इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर डिज़ायर के लिए दे गेव एन अमेजिंग ऑफर कि प्री बुक अगर आप कोई भी फ़ोन करते हो तो आपको 1,45,000 के बदले सिर्फ 1,18,000 में सेल फोन मिल जाएगा। और एक्शन के लिए उन्होंने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी और पेमेंट के ऑप्शंस हमें दे दिए। उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने सैमसंग को प्री बुक कर दिया और सैमसंग का सेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। सो ये टिप थी ऑन डे नंबर 3, और ऐसे ही टिप्स के लिए मेरे साथ बने रहिए आगे 45 डेज तक, तुम्हें मैं कुछ ना कुछ सिखाते रहूँगा। थैंक यू एंड आई सी यू टुमारो।